वेलकम टू speedearning.in speedearning.com। आज हम क्या बात करने वाले हैं कि कई लोगों ने शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में या इंट्राडे में कोई बड़ी पोजीशन बनाई होगी और उसके बाद उसको लेके बैठ गए, लॉस बुक नहीं किया, टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाए और 500 रुपए का शेयर आज 300 रुपए पे खड़ा है। अब क्या करें? अब लोग ऐसे हेल्पलेस बैठे हुए हैं कि यार 500 में लिया था, 300 आ गया, क्या करूं? ना तो बेच सकता हूं, ना और खरीदने को पैसे हैं और ये और नीचे जाने की बात हो रही है, एकदम आप घबरा रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आपने कहां लिया था, आपने उसको कहीं भी खरीदा होगा और आपको टाइम पे थोड़ी क्वांटिटी तो खाली कर देनी चाहिए थी। अगर आपने हमारी ट्रेनिंग ली है या हमारे वीडियो फ्री वीडियो सुने हैं तो आपको ये बात समझ में आ जाती है। लेकिन अभी क्या बात हो रही है, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, समय गुजर चुका है। अब हमको ये देखना है अभी क्या हाल है, क्योंकि अपने आप को कोसना भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। अपने आप को गाली देना, मार्केट को गाली देना, ब्रोकर को गाली देना, ट्रेनिंग को गाली देना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अभी क्या स्थिति है पहले उसको स्वीकार करो कि हाँ 500 के 300 हो चुके हैं, आगे क्या होने की संभावना है उस पर थोड़ा विचार किया। उसके बाद हम दोनों ही तरफ संतुलन रखिए, मतलब ये ऊपर भी जा सकता है, ये नीचे भी जा सकता है, इस संतुलन के साथ अब हम अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाएं, वो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो हम आपको ये समझाने वाले हैं कि अगर आपका 500 रुपए का शेयर 300 रुपए का हो चुका है और आगे और गिरावट होने की संभावना है तो वो गिरावट आपको खुशी और फायदा, कॉन्फिडेंस, सारी चीजें कैसे देने वाली है, क्योंकि कहां लिया था अभी उसको भूल जाइए। अब वो 300 पे खड़ा है तो 50,000 का माल होगा लेकिन अभी 30,000 का है। अब क्या करना है? पैनिक में अगर आप सोचो 30,000 में बेच के भाग जाऊं और पता चले यही बॉटम था और यहां से खरीदी निकल के आया और फिर 30 का 35, 35 का 40, 40 का 45, 45 का 50 हो जाएगा तो 55 पे आप फिर खरीद लोगे और उसके बाद फिर मरोगे। तो ये गलतियां मत करो। अभी ये देखना है आपको 300 रुपए पे ये शेयर खड़ा है, बाजार में लगातार 5 दिन से 7 दिन से गिरावट हो चुकी है, तो जब आप बहुत डर जाते हो, कांपने लग जाते हो, उस वक्त बाजार में कहीं शॉर्ट कवरिंग आने लगती है। तो 300 का ये शेयर 315, 330, 340 तक जा सकता है, लेकिन ऊपर जाएगा इसी ये गारंटी है? नहीं है। नीचे जाएगा ये गारंटी है? नहीं है। बीच में तो ऐसा रेंज भी आएगा, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, ऐसे रेंज बनेगी, ऐसी वोलेटिलिटी आ जाएगी। 300 की चीज कभी 315 होगी, कभी 290 होगी, फिर 310 होगी, फिर 318 होगी और फिर 295 पे आके खड़ी हो जाएगी। ऐसे में मैं क्या करूं? तो आपको क्या करना है, सपोज आपके पास 1,000 शेयर है या 100 शेयर है, 50,000 के 100 शेयर मान लेता हूं, अब 300 पे खड़ा है मतलब 30,000 का है, 30,000 के ये शेयर हैं और इन 100 शेयर में मैंने देखा कि आज वो सेक्टर माइनस है, निफ्टी भी माइनस है और एकदम लो के करीब शेयर खड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, लो पे सेलिंग लगा के रख दूंगा 50 शेयर में। अगर आपको लगता है कि मंदी छोटी है तो 30 शेयर में लगा दो, अगर आपको थोड़ी ज़्यादा कन्विक्शन है तो 50 या 60 शेयर में लगा दो, 60% शेयर में। उसने जैसे ही अपना लो तोड़ा और एक नया लो बनाया, वहाँ एक छोटा सा प्रॉफिट तो बुक कर लें। हमको वहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए कि 50 शेयर अगर मैंने शॉर्ट किए हैं तो 30 शेयर में तो मैं 0.5% 1% ले लूँ, वही बहुत है, और बचे हुए 20 शेयर में स्टॉप लॉस ट्रेल करता रहूँ, वो 6% भी गिरे तो मैं उसमें से 3-4% लेके आ सकता हूँ। तो इससे क्या हुआ कि आज की गिरावट से आपको 2% निकल के आ गया। अब ये पहुंच गया 300 से 280, जिसमें से 7-8 रुपए आपने कमाए। फिर वो 280 से और अगले दिन गैप डाउन खुला 275, फिर एक अच्छी धुलाई हुई, वो 250 चला गया, उसमें से हम 8-10 पॉइंट लेके आ गए। अब आपका दिमाग ये कह रहा होगा कि सर 50 पॉइंट की गिरावट में से 15 पॉइंट कमा भी लिए तो क्या फर्क पड़ता है, अभी आप इसमें बने हुए हैं और आप ऐसे रास्ते पे चल निकले हैं कि ये नीचे जाए या ऊपर जाए अब दिक्कत की बात नहीं है। अगर आने वाले 6 महीने में या आने वाले साल भर में 250 ट्रेडिंग डे में मैं सिर्फ 0.5% का एवरेज निकालने लग जाऊँ ना तो 125% की पॉसिबिलिटी है, मतलब आपका स्टॉक का कॉस्ट जीरो हो सकता है। अब आप सोचो कि 300 से 250 हुआ
आप निकल जाओ 300 पे, तो आपको नहीं पता है वो ऊपर भागने लग जाएगा, तो आपको किसी ने बता रखा है कि यहां से नीचे ही चला जाएगा। भाई पहले 500 से 300 तक क्यों रुके रहे? क्योंकि आपको लगा था पलटेगा पलटेगा पलटेगा, गलत समय पर पलटने की उम्मीद कर रहे थे, और जब बॉटम आया तो आप भागने की बात कर रहे हो। तो उधर एक गलती की थी, इधर एक और गलती करने की बात कर रहे हो। अब क्या 250 जाने के बाद एकदम से बाजार पलटेगा? एक दिन निफ्टी 120 पॉइंट प्लस गैप अप खुल जाएगी और वो 240 पॉइंट प्लस हो जाएगी। ऐसे में ये 250 का शेयर 270 खुल के 295 पे जाके खड़ा हो जाएगा, अगले दिन 320 आ जाएगा और उसके बाद भागना शुरू कर देगा। तो आपकी हालत ऐसी है कि आपने जो शेयर 300 पे खाली किया उसको 350 में खरीद के फिर से घुस जाएंगे। अब पहले ही आप नुकसान में हो और उसके बाद वो 350 से 330 आया, फिर आप कहोगे कि अरे यार मेरे साथ गड़बड़ हो रही है। तो अगर इन्वेस्टर की तरह सोच रहे हैं तो बने रहने की जरूरत है। वो ट्रेडर की तरह सोचा होता तो इतना बने रहने की जरूरत पहले ही नहीं थी। 500 से 300 किसको कहते हैं? आप ट्रेडर थे, 10 रुपए कमाने आए थे, 10-12 रुपए देके चले जाते, 20 रुपए देके चले जाते, 200 रुपए तक क्या सो रहे थे? मतलब हमारे ही अंदर एक इन्वेस्टर एक ट्रेडर दोनों हैं और वो दोनों आपस में कंफ्यूज होते रहते हैं। आपको जो भी शेयर गले में फंस जाता है आप उसको इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। इन्वेस्टमेंट ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भी उठा के घर में चीज को ले आए। इन्वेस्टमेंट होता तो मैं उस स्टॉक को ढूंढता जो इतने दिनों से करेक्ट हो रहा था। तो आपने पिछले महीने अगर मंथली लूजर को देखा होता तो आपको ऐसा स्टॉक मिल जाता था जो अभी परफॉर्म कर रहा है। अभी एशियन पेंट हमारे पास रखा हुआ था, इस पूरी मंदी में वो ऊपर गया है, क्योंकि एशियन पेंट पिछले महीने गिर के नीचे चला गया था। तो जो 1500 से उधर 1350 1400 के आसपास आ गया था वो 1530 पे 1548 पे आके खड़ा हो गया है। हर शेयर थोड़ी गिरा है उसके साथ, तो वो देखने की जरूरत थी। अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था तो मुझे उस नजरिए से सवाल करने चाहिए था कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी चीज अच्छी है। तो आज हमने चर्निंग की बात की। चर्निंग की मतलब आपने अपने घर में दूध से छाछ और मक्खन बनाते देखा होगा, तो वो 5 लीटर दूध में से घूमते घूमते छाछ निकल आती है, दूध फिर भी उतना ही लगभग बचा हुआ है, फिर छाछ निकल आती है, दूध अभी भी बना हुआ है। तो धीरे 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 आपको दिखता है कि आपने उसी दूध में से कई गुना वैल्यू निकाल ली, फिर छाछ से मक्खन, मक्खन से घी तक बनने की बात हो गई। तो 50 रुपए किलो का दूध 500 रुपए किलो की घी में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रोसेस करना पड़ता है, समय लगता है, एफर्ट लगते हैं, तब चीजें बनती है। तो चर्निंग मतलब उसी स्टॉक में से उसके नीचे ऊपर जाने में आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट। अब ये मैंने लॉस वाली बात तो कर दी कि 300 का ये नीचे जाने लगा 290-270, तो आपको क्या करना है? अगर आप कहें कि सर ये 300 से ऊपर गैप अप खुल गया, 312 खुल गया, अब मैं क्या करूं? अब 312 से 325 हो जाएगा ये गारंटी नहीं है। आजकल तो आप देखते हैं कि बुरे समय में निफ्टी ऊपर खुलती है और फाइनली नीचे जाके लुढ़क के बंद हो रही है। तो 312 पे मैं क्या करूं? 312 पे आपको ये लगा कि खुश हुए आप 300 का 312, चलो अभी थोड़ा तो सुधार हुआ, शाम तक देखा 295 आ गया। तो 312 पे आपने 30 शेयर बेचे, ये और 312 से ऊपर गया, 320-322 होने लगा, वहाँ 10-10, 20-20 शेयर और बेचती है, टोटल 50-60 शेयर आपने बेच दिए। शाम तक ये 322 से लुढ़क के 308 पे बंद हो गया, आपने वापस बुक करके अपने शेयर रख लिए। अब ये इंट्राडे के ट्रेड की तरह हो गया, लेकिन इंट्राडे नहीं था, आपके पास डिलीवरी रखी थी। तो 322 में आपने बेचा, 308 में वापस ले लिया, ये 14 रुपए की मलाई बाहर निकल गई। कल फिर 318 खुल जाए और बाद में 302 बंद हो जाए, जहां था वहीं आ गया वापस, लेकिन उस दौरान आपने कुछ पैसा निकाल के बाहर कर लिया। अब कभी आप बोलेंगे सर मैंने बेचा और उसके बाद ये सीधा भाग के ऊपर चला जाए तो, और वहां से भागने ही लग जाए तो उसमें एक सॉल्यूशन आप कर सकते हैं कि अभी 22 खड़ा है, 26 का हाई बना रखा है उसने, तो आप जितने शेयर बेचे हैं, समझो 60 बेचे हैं, तो 60 में से 30 का स्टॉप लॉस बाइंग 26 पे लगा के रख लो, और 30 आप नहीं खरीद पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब ये पलट के कहीं घूम फिर के नीचे आएगा तो इसको लेंगे, नहीं तो ये भाग जाए। तो इसके बराबर अच्छे फंडामेंटल वाला कोई भी अच्छा शेयर आपको मिलेगा। हम यहाँ पे किसी शेयर को खरीदने और उसमें से पैसा निकालने नहीं आए हैं। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है पैसा बनाना। यहाँ से वहाँ से की बात नहीं करनी, मुझे DLF से बनाना है, मुझे गेल से बनाना है, मुझे टाटा मोटर से बनाना है, अरे TCS कब चलेगा, ये क्या लगा रखा है।
जो चल रहा है उसको ढूंढो ना, कौन सा शेयर कब चलेगा। मेरे पास कई बार इस तरह के सवाल लाइव स्ट्रीमिंग में आते रहते हैं, सर वक्रांत जी क्या कर रहा है, सर यस बैंक में क्या करना है, DHFL का क्या करना है, 600 से जो शेयर 300 रुपए हो गया है आप उसमें और घुसना जा रहे हो। 6 महीने पहले ये बात जब मैं समझा रहा था, अब जाके आप समझ सकते हो। वक्रांत जी को 120 रुपए पे लोगों को बाहर कर रहा था, पर 500 का 120 देख के सबके मुंह से लार टपक रही थी, अभी 30 रुपए पे खड़ा है। चीजों को समझने की जरूरत है कि आप किसी बेकार सी कंपनी को जिसमें कोई घोटाला स्कैम या कोई बदनामी हुई है, गलत काम हुआ है, उसको किस बात का इनाम दे रहे हैं। कोई अच्छी कंपनी जो बेदाग काम कर रही है, अच्छे से सम्मान से खड़ी है, अभी तक उसमें कोई घोटाला उजागर नहीं हुआ है, उस पर भरोसा करने में आपको दिक्कत क्या आ रही है। लेकिन हम हमेशा कौन सी मानसिकता से सोचते हैं, वो सब्जी मंडी में रात को जो सड़ी सब्जियां बिकती है उसकी मानसिकता के हिसाब से सोचते हैं हम कि 80 रुपए की सब्जी 25 रुपए किलो में मिल रही है। लेकिन क्यों मिल रही है, क्योंकि सड़ने वाली है, बस कगार पे है, ये हो सकता है। तो चलो मैं कहता हूं कि कंजम्पशन में हमेशा आप सोच लो कि 10 का अच्छी काम 8 रुपए में कैसे हो जाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट में हमेशा वैल्यू देख के माल खरीदना, स्टॉक की क्वालिटी देखना। अगर आपको MRF का शेयर 50,000 रुपए में खरीदने को मिले और अगर वो 80,000 बिकता है तो उसमें ज्यादा वैल्यू है बजाय 5 रुपए की यूनिट एक को खरीदने में, क्योंकि वो 1 रुपए हो जाता है, आपके सामने हुआ है। इस बात से आप सहमत हो जाएंगे अगर आप 52 हफ्तों के जो लूजर स्टॉक्स हैं उनके चार्ट को लगातार देखेंगे। उन्होंने लो एक बार नहीं तोड़ा है, पिछले 2 साल में 10 बार लो तोड़ के नए लो बनाए हैं। और मजबूती कैसे देखेंगे, जिन स्टॉक्स ने 52 हफ्तों के हाई ऑल टाइम हाई को छुआ है उन्होंने एक बार हाई नहीं तोड़ा है, 2 साल में 6 बार 8 बार हाई तोड़ा है और बार बार नए हाई बनाए हैं। तो इस घटना को बार बार जब आप चार्ट में देखेंगे तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि फंडामेंटल चीज़ें, फंडामेंटल वैल्यू कैसे काम करती है। किसी बिजनेस में अगर दम है, इसीलिए तो लोग उसका ज़्यादा पैसा देने को हमेशा तैयार खड़े हैं। जहाँ लाइन लगी है वहीं पे लाइन बढ़ती क्यों जा रही है। एक रेस्टोरेंट में आपके शहर के, वहाँ पे अगर ऐसा है कि सही रेट में सही क्वांटिटी का अच्छा टेस्टी खाना मिल रहा है तो उस रेस्टोरेंट के बाहर 200 लोग लाइन लगा के खड़े हैं, और बाहर 4 रेस्टोरेंट खाली पड़े हैं पर वहाँ कोई जाने को तैयार नहीं है। इसका मतलब है वहां उस बंदे ने, उस बिजनेस ने कोई ऐसी वैल्यू जनरेट करके रखी है जिसके लिए आप लाइन में लगने को तैयार है। ऐसे ही आपको स्टॉक की वैल्यू को समझना है। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर आपके स्टॉक की भले ही 60% 70% या 40% वैल्यू रह गई हो, अगर वो वहीं टिकने लायक स्टॉक है लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप से था इसलिए ज्यादा गिरावट आ गई है, तो उसमें से चर्निंग करके आप पैसा बना सकते हैं। जो लोग अभी तक फंसे नहीं हैं लेकिन अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन डर लग रहा है कि आप क्या करें, तो लार्ज कैप का सबसे स्ट्रांग स्टॉक उठा लो और उसमें इस चर्निंग का इस्तेमाल करके आप उसको लंबे समय तक रख सकते हैं। इस मेथड पे और डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में। अभी आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में हमारे ट्रेनिंग पार्टनर बनने के लिए हर एक सिटी में, आपकी सिटी में हम एक फ्री सेमिनार और कैप्सूल कोर्स देने आ रहे हैं और वहाँ से शुरुआत होगी वीडियो कोर्सेज और बड़े कोर्सेज के लिए आपके कोऑर्डिनेटर होने की, साथ में अकाउंट खुलवा के उसकी ब्रोकरेज का पार्टनर बनने की। तो ये सब पॉसिबिलिटी है जीरो इन्वेस्टमेंट में। जिन लोगों को इस बात की लगन हो कि वो कुछ लोगों को जिंदगी में एक रास्ता दिखाना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो वही लोग इस काम में शामिल हो। जो लोग ये सोचते हैं कि हमको बगैर कुछ किए बहुत सारा पैसा बरसने लगेगा और बाकी लोगों का क्या होता है इससे कोई मतलब नहीं है, तो मुझे नहीं लगता वो लोग ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो अगर आप पार्टनर बनना चाहते हैं तो जो वीडियो देखा था उसमें जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आप अपनी सारी जानकारी दे दीजिए, आपका प्रोफेशन, आपके स्पाउस का नेम, क्वालिफिकेशन, आपके पास कोई वेन्यू है जहाँ पे फ्री सेमिनार हो सकता है, क्योंकि जितनी कम कॉस्ट में काम होगा उतना ही ज़्यादा लोगों के शामिल होने के और उससे उनको मदद मिलने की और हमको फायदा होने की संभावनाएं बन जाती है। तो एक बहुत अच्छे इरादे के साथ हम ये काम शुरू कर रहे हैं और इसमें कोशिश ये की गई है कि डेट रिसोर्सेज में हम पैसा कम लगाना चाहते हैं। नॉर्मली ऐसा हुआ है स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग 5-स्टार होटल्स में होती है जहाँ पे एक हाई मिल होता है और फिर उनसे चार्ज किया जाता है 5,000 रुपये एक दिन का या 12,000 रुपये एक दिन का या 30,000 रुपये 2 दिन का। वो सब पैसा ऐसा नहीं है कि जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उनकी जेब में जा रहा है। ये पॉम्पेंट शो जो किया है
जो आसानी से आपके अंदर भरोसा जगा देता है, उसके लिए ये सब किया गया है। लेकिन ये वेस्टेज है। हम चाहें तो एजुकेशन को इतना अफोर्डेबल बना सकते हैं कि गरीब से गरीब बच्चा, कोई भी व्यक्ति जो परेशानी में है, बुरी हाल में है, वो भी चीज़ें सीख सकता है। और इस पर मैं हमेशा काम करना चाहूँगा। इसके साथ ज़ेरोधा अपस्टॉक्स का इस वीडियो के, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉटम में लिंक दिया हुआ है, आप अकाउंट खोल लीजिए और उसके साथ आपने बाकी लोगों को रेफरल के लिए तैयार कीजिए, क्योंकि उससे आपको फायदे मिलने वाले हैं। तीसरी चीज़, 9500 में दो वीडियो कोर्सेज हैं, ये अभी अगले 3 दिन तक अवेलेबल हैं। जो लोग भी परेशानी में हैं, जिन्होंने भी पैसों का नुकसान कर दिया है, 1 लाख खो दिया, 2 लाख खो दिया, 5 लाख खो दिया है, वो समझ लो कि 5 लाख 10,000 खो दिया है। ये 10,000 रुपये डालो और कोई पैसा मत लगाओ, अभी महीने भर 2 महीने के लिए समझने की कोशिश करो कि क्या किया जाना चाहिए था, मैंने क्या किया है। जब तक आपने अपनी गलतियों को नहीं पकड़ा, तब तक आप पूरी दुनिया को गाली देते रहेंगे। पर आपके रिमोट के बटन दबाए बगैर टीवी पे कोई पिक्चर नहीं चलती। तो यहाँ पे जो भी सक्सेस फेलियर की पिक्चर चल रही है, उसमें रिमोट का बटन आपने दबाया है। भले ही आपने अपने हाथ से नहीं दबाया, आप रिमोट पे बैठ गए होंगे, आपको पता नहीं, लेकिन चीज़ें आपके कंट्रोल के बगैर नहीं हो सकती। कोई नाव तब डूबेगी जब उसमें आप छेद करेंगे या छेद को खुला रखेंगे। तो चीज़ों को समझें इस वक्त, उससे आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। फिर छोटी सी कैपिटल से, भले 2,000 रुपये आपके पास हो, उससे आप काम बंद मत करो, छोटा छोटा काम चालू रखो। 2,000 का 2010 भी बनाया ना, तो आप इस गेम से बाहर कभी नहीं जाएंगे। यहाँ पे दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। हर 6 महीने में, 12 महीने में लॉन्ग करेक्शंस आते रहते हैं। इंडिया की इकोनॉमी कहीं बहुत बुरी नहीं हो गई है, ये बहुत अच्छा मौका है नए लोगों की शुरुआत करने का। तो सीखिए, समझिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। थैंक यू।